लाइक वाला रह गया हमारा आज का इस वीडियो में। अच्छा रह गया क्या, फ्लड वाली क्लिप यूज नहीं हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूँ अपने चैनल में फिर से हमारे गुरुजी के साथ एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 आ गया है और बहुत अच्छा हुआ कि आ गया। हाँ, बहुत मुश्किल से ग्लैड 2020 खत्म हुआ, शुक्र करता हूँ मैं भी। काफी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई हैं और काफी लोगों ने बहुत कुछ फेस किया है जो खत्म हुआ, और होपफुली आगे भगवान हम सबका भला करे। हाँ, लाइफ में आगे बढ़े यार, लाइफ नॉर्मल आ जाए बैक टू, बस क्योंकि थंग आ गए। सोचो हम भी 2020 में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, सारी दुनिया फंसी हुई 2020 में। सही में हमें जाते हुए 35-40 मिनट हो चुके हैं। हाँ, अभी एक वीडियो बनाई थी जो आपने देख चुके हो, लगा कि चलो एक और बना लेते हैं, और बनाते हैं यहाँ पे फंसे हुए। अच्छा, इनफैक्ट ऑडियो भी अच्छा आएगा और स्लो मोशन में जल्दी जल्दी बना लेंगे वीडियो, और आपको भी कुछ जानने को मिलेगा टेक के बारे में। 2021 में क्या आएगा, मतलब हमारे क्या आ सकता है, हाँ, जो हम या क्या आना चाहिए या एक्सपेक्टेड क्या है बेसिकली, और क्या नहीं आएगा वो भी, जैसे कि चार्जर नहीं आएगा। चार्जर नहीं आएगा, सही बात है, मैंने इस बार दे दिया। हाँ, अगली बार मत उम्मीद रखना फ्लैगशिप में। तो चलो तो करें शुरुआत, शुरू करते हैं गुरुजी के स्टाइल में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो हमारा मेन टॉपिक है कि 2021 की क्या टेक्नोलॉजी होगी और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। तो गुरुजी सबसे पहले आप बताइए, सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगता है? फोल्ड। हाँ, मेरे साथ फोल्ड नहीं, फोल्डिंग टेक्नोलॉजी वाले फोन्स। ये तो खैर चलो सैमसंग ने 2019 में लॉन्च कर दिया था, अभी तक सैमसंग और हुआवे का ही आया, दो सैमसंग हुआवे मोटोरोला रॉयल फ्लेक्स पाई और बाकी शाओमी वाओमी ने बस दिखाए हुए हैं। हाँ, लेकिन 2021 में ऐसा लगता है साहिल, मुझे टू बी ऑनेस्ट, कि बहुत सारे ब्रांड्स के फोन आएंगे फोल्डिंग, मेरे हिसाब से भी, और अलग अलग प्राइस रेंज में आएंगे। मतलब अभी तक क्या है, हमने सुना है कि फोल्डिंग फोन मतलब भैया ये तो लाख रुपए के ऊपर की चीज है। हाँ, इस बार 1 लाख से नीचे भी आ सकते हैं, सैमसंग का भी आ सकते हैं इनफैक्ट, जो हमने लीक सुना है कि सैमसंग हाँ। थोड़े से बजट, क्योंकि देखो कोई भी जब टेक्नोलॉजी शुरू होती है ना, ऐसे जब हम बात करते हैं हाई टेक्नोलॉजी, तो शुरू होती है हमेशा ऊपर से, बाद में वो नीचे आते आते, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट स्कैनर की, आज की डेट में उसकी कोई वैल्यू रही नहीं, एक टाइम पे बहुत वैल्यू हुआ करती, 15,000 के फोन में मिल जाती है, या फिर आप बात कर लो लेट्स से फॉर दैट मैटर फिंगरप्रिंट स्कैनर की, यार जब शुरुआत में जब पहली बार iPhone 5s वगैरह में देखा तो उससे पहले मोटोरोला एट्रिक्स वगैरह में आया था। तो मतलब ये चीज अभी हमने देख ली, 2 साल हो गए इस चीज को, सैमसंग ने काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन अब हमको और बाकी फॉर एग्जाम्पल शाओमी की तरफ से हो सकता है हुआवे ओप्पो वीवो भी आ जाए, काफी अच्छे अच्छे पेटेंट्स आए हैं उसमें देखने में अलग अलग तरह के। हाँ, उसके अलावा सैमसंग का बजट फोन शायद क्या पता आ जाए, और फिर आईफोन तो चलो दो तीन साल बाद आएगा, वो एक अलग ही कहानी है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि 2021 में हमको अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग फोल्डिंग फोन्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके से फोल्डिंग होने वाले और अलग अलग प्राइस ब्रैकेट्स में, और मेरे हिसाब से काफी लोग जो मतलब 1.5-2 लाख नहीं खर्चना चाहते, 50-60-70 हजार के अंदर भी शायद मिल जाएगा, मेरे हिसाब से 80,000 तक तो आ ही जाएगा, सैमसंग का तो आ ही जाएगा जी, और काफी अच्छा मूव है। मतलब जैसे मेरे पास नोट 20 अल्ट्रा है, मैं सोचता था, मैंने फोल्ड भी लिया था फोल्ड, और मैंने ज्यादा देर नहीं चलाया क्योंकि 1.5 लाख का था, मैं सोचता था यार इतना महंगा फोन नहीं रखना मैंने, वो चीज ना अभी आगे चल के मेरे ख्याल से मास स्केल पे आने वाली, और 21 में शुरुआत हो जाएगी उसकी, और आगे चल के 22-23 जाते जाते वो और ज्यादा मासी हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया चीज होगी, क्योंकि जो टेकी लोग हैं उनके लिए फोल्डेबल फोन काफी बढ़िया है, और यार ये बिजनेस पर्पस लोगों के लिए भी काफी अच्छा है यार, प्रोडक्टिविटी की बात अलग होगी, जादू लगता है हाथ में, मतलब सोचो ना स्क्रीन था और मैं इसको बंद कर दिया ऐसे, तो मतलब ये वो एक्सपीरियंस है, और ये आई थिंक अब ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे 2021 में। रियली मैंने थोड़ी देर यूज किया था, मैंने शायद 2 वीक्स यूज किया था फोल्ड 2 इंडिया, दुबई आने से पहले मैंने लिया था, और मैंने 2 हफ्ते यूज चलाया और उसके बाद मैंने सेल आउट कर दिया, मुझे रियली काफी अच्छा, मैं मतलब हमेशा टैब नहीं लेके घूम सकता, मतलब हर जगह नहीं, और कभी कभी आपने ऐसा वाला फॉर्म फैक्टर भी है जहाँ पे आपका फोन नॉर्मली है लेकिन वो छोटा हो गया, आधा साइज का हो गया, तो मतलब ना यूटिलिटी भी है, लुक्स भी है, स्टाइल स्टेटमेंट भी है, मल्टीपल उसके एडवांटेजेस हैं यार, और अगर बना सकते हैं डिस्प्लेस को हम फोल्ड कर सकते हैं, अभी टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो रही है तो व्हाई नॉट, तो ये हम क्या बोलते हैं फिर। दूसरा मेरे हिसाब से अंडर डिस्प्ले कैमरा, अंडर डिस्प्ले कैमरा, ट्रू अंडर डिस्प्ले कैमरा या इन डिस्प्ले कैमरा, बेसिकली डिस्प्ले के पीछे कैमरा, ओप्पो ने दिखाया था सबसे पहले, लेके आया ओप्पो के जस्ट बाद शाओमी ने दिखाया था, जस्ट बात दिखाया था, दिखाया था। उनको याद आया, अरे 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 हमारा लो, हमारा तो रह गया, फर्स्ट हम आएंगे, मुझे याद है वो सीन, अगर लेके आया ZTE X20 आ चुका है, हालांकि कैमरा क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं, बट स्टिल एकदम पहली जनरेशन का डिवाइस है, अभी पेटेंट्स आ रहे हैं बाकी ब्रांड्स के, सैमसंग का पेटेंट आया है, सैमसंग के पेटेंट में तो क्या है कि डिस्प्ले का एक सेक्शन है जो मोटराइज्ड है, जो डिस्प्ले का वो सेक्शन मूव हो रहा है उसके नीचे कैमरा लगा है, तो मतलब वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेगा, बिकॉज वो पूरा डिस्प्ले निकाल देगा वहां से, बोलेगा मैं डिस्प्ले के दो टुकड़े कर दूंगा, तो मतलब वो बात कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंट वीवो ओप्पो का भी आया था, वीवो ओप्पो का भी आया जो
अलग से कर सकते हो अलग से है वो डिटेचेबल वाला चलो वो तो अलग हो गया लेकिन लेकिन इन डिस्प्ले के लिए गूगल ने फॉर एग्जांपल पिक्सल का बोलते हैं कि अपकमिंग शायद पिक्सल 6 में हो सकता है लेकिन शायद हमारे Xiaomi के Mi 11 Pro में आ सकता है शायद 11 Pro में तो नहीं आ सकते कह रहे हैं लीक्स में कह रहे हैं मुझे पता नहीं मैं अभी टेक न्यूज़ नहीं पता वो क्यों नहीं आ सकता मुझे क्यों लगता है बिकॉज़ वो है एकदम एक ट्रू फ्लैगशिप फोन अब उसमें वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ना एक्सोन वाली तो Xiaomi वो चीज नहीं करेगा कि वो Mi 11 का कैमरा अच्छा और Mi 11 Pro के अंदर वो इन डिस्प्ले के नाम पे कैमरा फिर क्वालिटी घटिया कर दे आई डोंट थिंक ऐसा आएगा बट लेट्स सी कुछ भी हो सकता है लेकिन डेफिनेटली हमको फोन्स मिल सकते हैं इन डिस्प्ले कैमरा वाले ट्रू 200 मिलेंगे 2021 में कंफर्म मिलेंगे बिल्कुल मिलेंगे तो वो मुझे काफी बढ़िया चीज लग रही है और क्या चीज बोलते हो सर और बैटरी चार्जिंग कितनी वॉट की पूरा ट्रांसफॉर्मर लगा दें फोन के अंदर मतलब यार 120-125 आ चुकी है मैंने 120 यूज की है अपने अल्ट्रा में कितना तेज से चार्ज होता है फोन 24-25 मिनट तो पूरा चार्ज 100% ठीक है जो IQ का आया था जो शोकेस किया था उन्होंने वो ऑलमोस्ट 15 मिनट करता था शायद अच्छा 15 मिनट में पूरा चार्ज 100% 4000 या 4500 की बैटरी जल्दी है किसको यार मतलब इतनी लाइफ किसके बिजी हो रही है वीडियो देख रहे हैं हमारे सब लोग स्टूडेंट्स सही में मतलब सोचो ऐसा कर रखा है मतलब एनीवेज बट मगर एक चीज होती है कि मॉर्निंग में कभी उठो आपको बहुत जल्दी जाना है अब लगाओ अरे कभी कभी ये होता है ना यार हमको अफसोस होता है अरे यार चार्ज करना भूल गया अरे यार मेरे फोन की बैटरी अरे यार मेरे को बाहर निकलना है तो वो टाइम तक अपने मुंह धोके शर्ट पहनो तो आपको फोन चार्ज रहेगा ये चीज है मतलब मेरे पास एक रियलमी का है रियलमी X2 Pro 50 वॉट का है उसमें 65 ईयर है 50 सबसे पहले लास्ट ईयर सुपर प्रो 50 उसमें मेरा होता है मतलब मैंने 20 मिनट लगाना है मेरा 80-90% चार्ज हो जाता है विच इज सफिशिएंट फॉर दैट डे तो बहुत मस्त चलता है मेरे को वो सबसे अच्छी चीज लगती है उसमें आई थिंक अभी 100-125 वाट पे पहुंच गए तो 150-200 जाएगा चलो 200 तक ना भी जाए तो कम से कम ये मान सकते हो 2021 में कि ये जो एटलीस्ट 120-125 वाट से ये हमको और ज्यादा फोन से मिलेगा जैसे 65-20 हजार में आ गया इंडिया में ऐसा 15 हजार में आ गया सॉरी नार्जो में एग्जैक्टली तो 15 हजार में विद चार्जिंग इन द बॉक्स जो, जो 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 चेंज होने वाला है तो अगला टॉपिक यही है कि चार्जिंग तो भैया फास्ट हो जाएगी और फास्ट ज्यादा फोन से मिल जाएगी लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा ये बात आप समझ लो इसको आपको आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तो एप्पल ने शुरुआत कर दी है बाकी कंपनी साहिल चाहे वो जितना मर्जी बोले चाहे वो जितना मर्जी एप्पल को ट्रोल करें ये फैक्ट है कि एप्पल टेक इंडस्ट्री को लीड करता है मतलब करता है चाहे वो आप एक नॉच से बात कर लो चाहे आप फुल स्क्रीन से बात कर लो चाहे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर लो चाहे आप फेस आईडी की बात कर लो चाहे आप रियर कैमरा मैकेनिज्म की बात कर लो आप पोर्ट्रेट मोड लाइटिंग इफेक्ट सब इतनी सारी चीजें होती है जो वो पहले करता है धीरे धीरे कर देती है तो एप्पल ने 3.5 जैक का कदम उठाया था हमने देख लिया क्या हो गया सबका फोन उड़ा दिया मजाक में एप्पल ने अभी ये कदम उठाया और अभी क्या होने वाला है आपको बता दूं सैमसंग के फोन S21 में जहां तक मेरे को मालूम है नहीं आने वाला है बॉक्स में चार्जर इसके अलावा एक बार देखो अब ऐसा तो है नहीं कि सैमसंग ने इस बार नहीं दिया तो Note 20 में दे देगा Note 20 में दे देगा वो उसमें भी नहीं देगा तो बेसिकली एक एक कदम उठ गया है अब एप्पल अगली बार शुरू हो जाएगा एप्पल अगली बार अपने कभी किसी फोन में नहीं देने वाला नहीं देगा इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जो नई पैकिंग वाले iPhone 11 और 10 आ रहे हैं उसके अंदर भी नहीं आ रहा उसमें भी आ गया कि नहीं आएगा तो अब 2021 में चाहे वो Xiaomi हो चाहे वो ओप्पो हो चाहे वो वीवो हो चाहे वो रियलमी हो वीवो शायद ना नहीं भाई फ्लैगशिप रेंज में शायद हटेंगे स्टार्टिंग फ्लैगशिप से हो जाएगी हटने की मेरे को ऐसा लगता है यू नेवर नो और ये एटलीस्ट हम बाकी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो बड़े फोन हैं तो हम ये चीज कम से कम दिखेंगे कि आपको चार्जर बॉक्स से निकलता हुआ दिखेगा मतलब ये अगर आपके पास चार्जर पड़ा है फेंको मत रफ यूज मत करो संभाल के रखो बहुत कीमती होगा मतलब यार सोचो ना 1 लाख का फोन लिया 2000 रुपए अलग से और दो लेकिन अब जो सच है वो यही है हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और 50 तरह की और चीजों को बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा Xiaomi ने बलिदान देना होगा Mi 11 में नेक्स्ट टाइम मैं भी ये भी कहता हूँ फ्लैगशिप में वो भी हटा देगा बलिदान देना होगा और बलिदान हम दे चुके हैं एप्पल ने हमसे जबरदस्ती बलिदान दिलवा दिया इस चीज का चलो अब और क्या सही मेरे हिसाब से 600 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं 600 तो लिया आया सैमसंग का लीक आया था ना पेटेंट लीक आया था पेटेंट आया था सैमसंग का 600 तो चलो बहुत हो गया आईज भी नहीं मारी करती सब लेकिन 108 से तो ऊपर शायद बढ़ेंगे आराम से बढ़ेंगे 200-250 या 125-150 मेरे हिसाब से पहले 150 लाएंगे फिर ये 200-250 तक जाते हैं चलो कह नहीं सकते 140 चले तो गए लेकिन फिर वो 2-2 मेगापिक्सल के वो 150 रुपए वाले मैक्रो का डेप्थ का क्या वो तो भाई हमारे क्या कहते हैं वो साथ में लगे गिनती गिनती ऐड कर रही है सोचो ना कितना फ्री हो जाएगा ये कैमरा लगा दिया भैया 250 मेगापिक्सल का 250+2+2+2 + 8+2+2 तो मतलब यार क्या ही बोले
बट एनीवेज ये चीज डेफिनेटली दिखेगी जो कैमराज है वो ज्यादा हायर मेगापिक्सल काउंट वाले आने वाले हैं। इस साल आएंगे इजीली आएंगे क्योंकि अब 108 लाइन लगा दी है शाओमी ने। हाँ सैमसंग भी ले आ चुका है, चलो एप्पल तो लाता ही नहीं है चीजें, उसको हम छोड़ देते हैं। ओप्पो वीवो भी मेरे हिसाब से ले ही आएंगे, कोई ना कोई तो लेके आएगा कम से कम। हाँ। चाहे हो सकता है सैमसंग अनवील कर दे या सोनी अनवील कर दे एक बड़ा, अभी तक हालांकि सोनी का आया नहीं 108 का, 108 का जो है वो सैमसंग के पास नहीं, HM1 और HM2 शायद आई थिंक, बट सैमसंग एक बार अनवील कर देगा तो फिर कोई ना कोई वेंडर जो होगा वो अपने किसी ना किसी एक फोन से कम से कम लगाई देगा। सोनी भी तो शायद ला रहा है रिसेंटली, सोनी और कस्टम सेंसर के ऊपर काम कर रहा है ओप्पो के लिए और बाकी, मतलब कैमरा के अंदर भी हम देखेंगे इंप्रूवमेंट्स, लेकिन वो 2 मेगापिक्सल वाला जीने मरने तक यही होने वाला है, वो कहीं नहीं जाएगा हमें दूर हट के। मतलब ये हो जाता है मिड रेंज में उन्होंने क्वाड कैमरा करना है तो ये कहते हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए दो डाल दो, क्यों करना है क्वाड? किसने बताया है? मतलब कोई मेरे हिसाब से सोचता है कि पंडित ने बताया मेंटालिटी हो जाती लोगों को चार कैमरे लगे तो क्या हो गया, 222 की आवाज आई और लो बैटरी होगी। ऑल्दो बैटरी मेरे पास में पड़ी है, मैं एक्स्ट्रा बैटरी लेके आया था लेकिन कैमरे का निकला। हाँ अब हम रोकेंगे तो ट्रैफिक में फंसने, रुकना तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे, तो भाई इस रोड पे यू कांट ब्रेक नो मैटर व्हाट, इंडिया नहीं है नहीं मतलब आपका हाथ से फोन नीचे गिर जाए तो आपको लगता है कि आप साइड में गाड़ी रोक के फोन लेके आओगे, अपने चांस ही नहीं है, गया मतलब हो गया। तो एनीवेज अभी के लिए वैसे वीडियो हमारा एंड हुआ था, बिकॉज़ हमने सबके बारे में बात कर लिया, मेगापिक्सल देखते हैं इस साल किस हद तक कंपनी जाती है। जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं iPhone 12 Pro Max के फ्रंट कैमरा से, क्या पता अगले साल ये क्वालिटी और बेहतर हो जाए। iPhone में तो होगी ही होगी, होगी ही होगी, वैसे लेते ही इसी बात द द द बेस्ट iPhone एवर। ये मतलब ये बात है iPhone की है, सारे कहेंगे ओवर प्राइस। जब नया आने वाला होगा ना वो कहेंगे बेस्ट फोन कौन सा, iPhone 12 Pro Max। ये हर मैं iPhone को ओवर प्राइस नहीं बोलता, मैं iPhone को बोलता हूं इट्स एक्सपेंसिव। हां काफी लोग कहते हैं एक्सपेंसिव होना अलग बात है, ओवर प्राइस होना एक अलग बात है। इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट रियली ओवर प्राइस्ड ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि इंडिया में इस बार थोड़ा ओवर प्राइस है, दुबई में ठीक है, दुबई में बहुत बढ़िया प्राइस है, टैक्सेस हां वो चीज आ जाती है, क्या कर सकते हैं। चलो एनीवेज ये वीडियो खत्म करते हैं, डाइवर्ट नहीं करते टॉपिक को, ठीक है। तो बस तो लाइक वाला रह गया हमारा आज का इस वीडियो में, अच्छा रह गया क्या, फ्लडिंग वाली क्लिप यूज नहीं रहेगी। कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को आप जल्दी से अभी का भी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे कमेंट करो और हमारे गुरु जी को 25 मिलियन सबसे पहले, नहीं गुरु जी से पहले आपके करवाओ 2 मिलियन और उसके बाद में बहुत लंबी रेस लाइन, कोई बात नहीं हम सब लंबी रेस के घोड़े हैं और चीज ऐसी चलती रहेंगी, काम ऐसे बनता रहेगा और वीडियो ऐसी आती रहेंगी, आप ऐसे देखते रहिए और खुश आपको बढ़िया। अगर आपको लगता है कुछ टेक जो फ्यूचर 2021 में आना चाहिए बताओ जरूर, वो मुझे कमेंट में जरूर, या अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो क्रेजी आइडिया जो आए चाहे ना, लेकिन आपके कोई आइडिया है कि यार ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए कि फोन में हमारे वॉशिंग मशीन बन जाएगा, तो लिख डालो क्या पता शॉप में बनाई दे, यू नेवर नो, फ्यूचर इज अनरियलिस्टिक, वही ना कुछ भी हो सकता है। सही है, तो यहाँ करते हैं बंद और हैप्पी न्यू ईयर, 2021 बढ़िया रहे आप सबका यार, भगवान करे फोन तो आ जाए नए नए, ये इसका कोविड का नया वाला वर्जन आया है प्रो मैक्स वगैरह, वो सही में वो होते साइड में बहुत दुखी हो, और हम सब ऐसे ही खुश रहे और वीडियोस आप देखते रहे। तो जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम।